महाराष्ट्र के विरोधी दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर प्रहार किया है। विरोधी दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जब तक मैं लक्ष्मण हेगड़े से नहीं मिला, सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ओबीसी की संख्या 55 से 60% है, उनकी ओर ना देखना अपमान है। अनशनकारियों की हालत गंभीर थी, जान जोखिम में डाले व भूमि का शत्रुता पुनः नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आज एक प्रतिनिधि मंडल मिले जाएगा, समाधान ढूंढेगा। मैं समर्थन करने गया था। मुळात शासनाची जसं बिहार मध्ये सर्वोच्च सुप्रीम आपले हायकोर्टाने रद्द केलंय, त्यापुढेही पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल हायकोर्टाच्या बेंचने सुद्धा 2010 नंतर आलेले सर्व ओबीसीचा आरक्षण रद्द केलेलं आहे। 2010 नंतरच्या पश्चिम बंगाल सरकारने सुद्धा केलेलं आहे, म्हणजे सरकारने नाही हायकोर्टाने केलेलं आहे। तर असं आहे की कायद्यांच्या चौकटीत बसेल ते सर्व करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु मताच्या लाचारीसाठी सरकारची कुठेही संविधानिक रित्या ते आरक्षण कसं टिकेल आणि ते टिकावं यासाठी कुठलेच प्रयत्न नाही। मताच्या लाचारीसाठी आला त्याला आश्वासन देणं आणि वेळ मारून नेणं एवढाच धंदा सरकारने केलेला आहे। त्याच्या पलीकडं आज जे परिस्थिती निर्माण झाली, या दोनही समाजामध्ये आपसात भांडण लावण्याचं पाप महायुती सरकारने केलेलं आहे। बिहार सरकार ने बढ़ाए आरक्षण को न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 2010 के बाद पश्चिम बंगाल कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया। अगर ये कानून के दायरे में है तो ठीक है, लेकिन वोट की मजबूरी पर सरकार ने आश्वासन देकर समय काटने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार ने टकराव पैदा करने का काम किया है, जो चीजें आज भी नहीं हो पाती और समय मारकर मिटा दी जाती है। आज गिरीश महाजन ने खुलासा किया कि अगर एक मंत्री कहता है कि ये नहीं चलेगा तो सरकार वादा क्यों करती है, ये बातें गैर जिम्मेदारी की वजह से हुई है। संविधान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है, संविधान के जरिए आरक्षण को कोई हड़प नहीं सकता। जरांग की हम सभी की आंखों में आंसू ला देते हैं, लेकिन विषय को ऐसे ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो हक के लिए लड़ रहा है। ओबीसी के नाते वहां मिलने क्या, मंत्री रहते जो भी फैसले ले वो फैसले अग्रगामी है। हमने कई मराठा समुदाय के नेतृत्व में काम किया है। विलासराव देशमुख पर 50% ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति बकाया है। जरांग हो या हाके, सभी को एक साथ आना चाहिए। मराठवाड़ा में हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते कि ये आग किसने लगाई है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, दोनों समुदाय के सामने बैठेंगे और समाधान निकालेंगे। आता ते त्यांचा अंतर्गत विषय आहे, कोणाला पाठवावं, कोणाला पाळावं, कोणाला निवडून आणावं, कोणाला मंत्री करावं, हा महाराष्ट्रातील नेत्यांचा भारतीय जनता पक्षाचा अंतर्गत तो संबंध आहे। कारण आम्हाला कोणाच्या पक्षामध्ये धुडघूस किंवा मतप्रदर्शन करण्याचा आमचा अधिकार नाही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंकजा मुंडे को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि किसे भेजा जाए और मंत्री बनाया जाए यह उनका आंतरिक मामला है और पार्टी में शामिल होकर राज जताना हमारा मकसद नहीं है। नहीं, आम्ही तोच विचार तो तीच मागणी केली होती। मी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्र्यांच्याकडे मी पत्र पाठवूनही मागणी केली होती। मी आमच्या पोलीस महासंचालकांना मागणी केली होती की तुम्ही हे पावसाळ्यात घेताय ते पुढे ढकला, पण काही विद्यार्थ्यांचा हे आला की आम्हाला अनेक वर्षानंतर आता संधी मिळते आहे आम्हाला, तर त्यामध्ये मी उपाययोजना सांगितली की पावसाळ्यामध्ये जर घेत असाल उन्हापासून पावसापासून, कारण लाखो विद्यार्थी येतात, त्यांचे कागदपत्र भिजतात, खाण्याचे वांदे असतात, झोपण्याचे वांदे असतात, आणि जो विद्यार्थीमध्ये मेरिटचा विद्यार्थी आहे या पावसामुळे फिजिकलमध्ये तो अडचण येऊ शकते। काल सांगलीमध्ये एका पोरीचा पाय तुटला चिखलात पाय फसल्यामुळे, परवाच्या दिवशी रनिंगमध्ये ती पोरीचं आयुष्य गेलं, अशा अनेक घटना घडत आहेत। पण राज्यकर्त्यांना निवडणुकीचं डोळा ठेवून हे सगळं करायचं आहे, पूर्वी का केले नाही, याचवरती यात्रा करण्यापेक्षा पूर्वी केले असते तर अनेक विद्यार्थ्यांच्या या परिस्थितीला अनेक विद्यार्थ्यांना सामोरं जाण्याची पाळी आली नसती। महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू है। बारिश के कारण परीक्षा देने आए युवाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बरसात के मौसम में इस पुलिस भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र देकर अनुरोध किया गया था,
सांगली में एक लड़की का दौड़ते वक्त कीचड़ में फंसने से पैर टूट गया। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें लड़की की जान भी चली गई, लेकिन सत्ताधारी चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया? प्रतिनिधि म्हणून सामाजिक क्षेत्रात, राजकीय क्षेत्रात, कुठल्याही क्षेत्रात काम करणारा जो काही नेता असतो त्याच्या संरक्षणाची हमी ही सरकारची आहे। अशा प्रकारची धमकी कोणी देत असेल त्यांचं संरक्षण केलं पाहिजेत, आणि बच्चू कडूंच्या जर केसाला धक्का लावला तर हे राज्य सरकार जबाबदार राहील याची खबरदारीसुद्धा राज्य सरकारने घेतली पाहिजे। ज्यावेळेस बच्चू कडूंचा स्वभाव हा गावरान स्वभाव आहे, तो जो आहे तोंडफड स्वभाव आहे, आणि म्हणून अशा नेता ज्यावेळेस स्पष्टपणे काही भूमिका घेतो त्यावेळेस हारलेल्यांना, सत्ताधाऱ्यांना त्याचं दुःख काही झालं असेल त्यातून कदाचित हा प्रयोग होण्याची शक्यता आहे। कारण त्याचा जुना काही इतिहास काढला तर त्यामध्ये त्यांना धमकी देणाऱ्यांचा इतिहास निघेल, त्यावेळेस माहीत पडेल की तो व्यक्ती कोण आहे। पूर्व मंत्री बच्चू कडू को जान खतरा होने की खबर सामने आ रही है। इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बच्चू कडू के सिर पर चोट लगने पर भी राज्य सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी। अगर कोई ऐसी धमकी देता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला नेता हो, बच्चू कडू को धमकी देने की हिस्ट्री सामने आने पर उस शख्स की पहचान सामने आ जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें, ऑफर केवल 30 जून तक और लकी ड्रॉ 1 जुलाई को। प्रमोद ज्वेलर्स, पारथी नगर, हिंगना रोड, नागपुर।